अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जसप्रीत बुमराह। द बूम बूम बुमराह इज बैक एंड नॉट ओनली ही इज जस्ट केम बैक, ही इज बैक विद अ बैंग। एंड दो विकेट्स उन्होंने ली इन हिज फर्स्ट ओवर। ऑल्सो फर्स्ट बॉल जो उन्होंने कराई अपने कम बैक पे, वो बाउंड्री के ले गई, बट इसके बाद उन्होंने उस ओवर में दो विकेट्स ली और चार रन पे आयरलैंड की दो विकेट्स गिर चुकी थी। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, बहुत अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं। पेस थोड़ी उनकी लो नज़र आई, बट वी कैन अंडरस्टैंड एज अ पेसर इट्स क्वाइट टफ कि आप अपने कम बैक पे ही फिर वही हाई स्पीड से बॉलिंग करो। बट पेस भी उनकी इंक्रीज होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट स्टिल बहुत अच्छी बॉल उन्होंने डाली। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सुनने में आ रहा है कि वो बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, बहुत अच्छे रिदम में हैं, तो उन्होंने प्रूव भी कर दिया इस मैच में। और 19th ओवर भी जो उन्होंने कराया उसमें जस्ट उन्होंने एक रन कंसीड किया, तो माइंड ब्लोइंग। और आयरलैंड को उन्होंने 135 प्लस पे कुछ रिस्ट्रिक्ट भी कर लिया है। और टिल नाउ जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी तक तो है कि रेन से मैच डिले हो गया है, कुछ 40 प्लस कुछ रन इंडिया ने बनाए हैं और दो विकेट्स उन्होंने लूज़ कर दी हैं। दोनों ओपनर्स उनके आउट हो चुके हैं और अभी है कि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है और रेन की वजह से मैच डिले हुआ है। बट स्टिल अगर रेन होती रहती है और DLS पे जाता है तो इंडिया इज़ 2 runs अहेड अकॉर्डिंग टू DLS मेथड। तो बहुत अच्छा कमबैक है जसप्रीत बुमराह का और बहुत अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि ही इज़ इन गुड फॉर्म। जसप्रीत बुमराह इज़ इन गुड फॉर्म और इंडिया की जो पेस अटैक को जो लीड करेंगे बुमराह इन एशिया कप एंड इन वर्ल्ड कप, तो बहुत अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।